बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। ये उत्तर प्रदेश लखनऊ और आज इस अवसर पे आपसे बात करने का जो है मौका मिल गया है, एक अच्छा अवसर है कि हम अपनी पार्टी की नीतियों को, अपनी पार्टी के कार्यों को मीडिया के माध्यम से जनता के पटल पे रखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी करीब लग रहा है। तो आज 22 जुलाई को मीडिया से वार्ता करने के लिए ये प्रेस जो है आयोजित की गई है। इतने सीमित समय पे आप लोग यहाँ पहुँचे, आप सभी का आभार। शुरू करें? ठीक है, धन्यवाद। देखिए, बहुजन साइकिल यात्रा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो, भाईचारा बनाओ, बहुजन समाज बनाओ। टुकड़ों में बटे हुए इस बड़े समाज को एकजुट करके राजनीतिक ताकत बनाओ और उनके मुद्दों को जनता के बीच में लेके जाओ। हमारा उद्देश्य है समतामूलक समाज बनाना, जहां भाईचारा हो और एक दूसरे की परेशानी को, एक दूसरे की परेशानी समझा जाए, उनमें मदद की जाए। पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में आजाद समाज पार्टी की साइकिल यात्रा चली, जो 1 जुलाई से और 21 जुलाई तक, यानी कि कल के दिन भीम आर्मी के स्थापना दिवस पे प्रथम चरण का उस आंदोलन का समापन हुआ। ये सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन भी, जो महंगाई और परेशानी आम जनता को हो रही है उसको लेकर, इसलिए हम गांव-गांव जाके, पांव-पांव जाके अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहे हैं और बहुजन समाज के लोगों में चेतना का निर्माण कर रहे हैं कि इस बार वो धर्म और तमाम तरह की चीज़ों से हटके अपने मुद्दों पे वोट दें, क्योंकि जब वो अपने मुद्दों से हटके वोट देते हैं तो उनको वही मिलता है जो सरकारें देती हैं, अधिकार नहीं मिलते हैं। तो भाजपा की जो दमनकारी नीतियां हैं, बहुजन विरोधी नीतियां, उनको हमने जनता के बीच में जाके रखा और जनता का सकारात्मक संदेश है, आने वाले चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कल हमारी साइकिल यात्रा जो है वो समाप्त हो गई, ये पहला चरण था। अब इसके बाद दूसरा चरण जो है आगामी अगस्त के महीने में उसकी घोषणा की जाएगी। अभी केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल में बदलाव किया है और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी ओबीसी के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उनके जाति के मंत्री बनाए गए हैं कि जिससे कि उनकी वोटों को छीना जा सके, लूटा जा सके और अपनी नाकामी को छिपाया जा सके। अगर इन्होंने दलित पिछड़ों के लिए कुछ किया होता तो शायद इनको ये मंत्री बनाने की जरूरत ना पड़ती। भाजपा सरकार में लगातार पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों के दाम, सरसों के तेल के दाम, तमाम तरह के दाम जो हैं, महंगाई बढ़ रही है, आय नहीं बढ़ रही है, जिससे आम आदमी को परिवार चलाना मुश्किल हो गया। अभी सभी विपक्ष के दलों ने अपनी बात रखी कि भाजपा सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से अपनी नाकामी को छिपाते हुए और लोकतंत्र का अपहरण किया, वोटों की लूट की, उसी कड़ी में जो विपक्ष के लोग थे उनको सत्ता पक्ष के लोगों ने नामांकन करने से रोका और लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन करने जा रही एक प्रस्तावक को जिस तरह से उसका चीरहरण हुआ बहन का, ये उत्तर प्रदेश में एक न्याय इतिहास जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बना है कि ये झूठे वादे करते हैं कि ये बहन बेटियों की सरकार है, बेटियों की रक्षा करने वाली सरकार है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार है। ये असल में इस सरकार में बहन बेटियों का चीरहरण होता है और मुख्यमंत्री चुपचाप बैठ के उसको देखते हैं। अधिकतर जिला पंचायत अध्यक्ष पर निर्विरोध जो है जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया और सरकार ने अपने लोगों को विपक्ष पर झूठे मुकदमे लगा के कुर्सी पर बिठाने का काम किया। इसी सरकार में ये जो दलित पिछड़ों के हितैषी खुद को बताते हैं, दलितों पे जबरदस्त अत्याचार हो रहे हैं। ताजी घटना जो है वो आजमगढ़ जिले की, जिसमें मैं खुद भी शामिल हुआ था, आजमगढ़ में मुन्ना पासवान जी के घर की, और उनके घर का कोई सामान नहीं छोड़ा, सारे सामान को तोड़ दिया गया, उनकी गाड़ी, उनका ट्रैक्टर, उनका एसी, उनका टीवी, फ्रिज सब तोड़ दिया गया, उनका यहाँ तक कि अनाज में भी कांच मिला दिया गया।
और पुलिस के साथ पीड़ित परिवार ने जैसा बताया कुछ बिना वर्दी वाले गुंडे भी थे जो जातिगत गालियां दे रहे थे और जातिगत अपमान कर रहे थे और जातिगत बातों को कहते हुए परिवार की महिलाओं को मारने पीटने का काम हुआ। तो ये सरकार दलितों पे बड़े पैमाने पे जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है। ये सरकार का जो जुल्म है इसको दलित समाज भूलेगा नहीं। मैंने उस परिवार के लिए 5 करोड़ के मुआवजे की मांग करी है और अगर ऐसा सरकार नहीं करती, उनके झूठे मुकदमे जो उन पर लगाए गए दबाव न उनको वापस नहीं लेती, अगर सरकार जो आरोपी अधिकारियों की कार्रवाई नहीं करती, जो कहते हैं कि दलितों की छोटी जाति की बहन बेटियां वो मजा लेने के लिए होती है, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो ये तो स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री दलित पिछड़ों के विरोधी है। लेकिन ये भी स्पष्ट होता है कि हम चुप नहीं रहेंगे। हम आजमगढ़ में महापंचायत करेंगे, शोषित पंचायत करेंगे, जितने मामलों में अभी मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं उस पर भी बात रखूंगा इसी कड़ी से जोड़ते हुए। तो मैंने 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग उनके लिए रखी है कि उस परिवार को मिले, जिससे कि उस परिवार को दोबारा से अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने की ताकत मिले। अब एक कल की एक बड़ी घटना है जो आरक्षण नीति को लेकर है। पिछले 30 दिन से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ, जहां ओबीसी के बच्चों को 27% की जगह 4% आरक्षण दिया गया और एससी के बच्चों को 22.5% की जगह 16% आरक्षण दिया गया, उनकी अधिकृत सीटें अनैतिक रूप से अपात्र लोगों को सरकार ने बांट दी। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं लखनऊ में, जब वो जाते हैं डिप्टी सीएम के यहाँ तो उनको लाठियाँ मिलती हैं। वो सोच के जाते हैं कि हमारे जात के मंत्री हैं, वो शायद मदद करेंगे, तो वहाँ उनको मांगते रोजगार है, मिलती है लाठियाँ। फिर वो जाते हैं मुख्यमंत्री आवास पे, तो वहाँ उनको उनके हाथ तोड़ दिए जाते हैं, उनकी गर्दन तोड़ दी जाती है, उनके कोहनियाँ तोड़ दी जाती है, उनको पीटा जाता है। कल जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया, जो बच्चियाँ वहाँ थी, कि सरकार के लोगों ने, प्रशासन ने उनको बंद किया वाइको गार्डन, बाहर आने की इजाज़त नहीं, वो भूख से तमाम तरह परेशान है, 12 बच्चों को बुखार हुआ हुआ था। वो गए थे भाजपा कार्यालय पे अपनी बात रखने की, हमने वोट दिया था पिछड़े वर्ग के लोगों ने कि आपकी सरकार बनी, तो वहाँ उस कार्यालय पे जिस तरह से जातिगत टिप्पणियाँ कही गई कि ये पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आने का कोई अधिकार नहीं, इनको अपने पुश्तैनी काम करने चाहिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है एक पार्टी कार्यालय से ऐसी बातें होना, यानी कि उनके अंदर दलित पिछड़ों के प्रति कितनी जो है दूषित मानसिकता, ये भी जो है इसका प्रमाण। और जिस तरह से वहाँ बच्चों के कपड़े फाड़े गए, उनको पीटा गया, ये शिक्षक समाज का दर्पण होता है, ये शिक्षक जो है इसका जवाब हिसाब किताब करेंगे। उस आंदोलन को ताकत देने के लिए जब मैं उनके बीच पहुंचा, उनका समर्थन किया, तो ये भी जानकारी हुई कि गोमती नदी में एक बच्चे ने छलांग लगा दी, यानी कि अब बच्चे अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए, लड़ने के लिए जान देने को तैयार हो गए, सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने पहले तो अपने ट्विटर हैंडलों से सफाई दिलवाई कि हमने इस भर्ती में घोटाला नहीं किया, अगर घोटाला नहीं किया तो लिस्ट जारी करा दो, जो बच्चे आपने भर्ती किए 27% पिछड़े वर्ग के लोग के, 22.5% दलित वर्ग के लोग के, तो उनकी उनके जो है लिस्ट जारी करवा दो, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो पहले उन्होंने सफाई दी, जब सफाई से काम नहीं चला और उनको पता है चंद्रशेखर यहाँ, तो कल फिर उन्होंने एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने कहा कि मेरी अपील है छात्रों से कि वो किसी के बहकावे में ना आए। तो अपील पे तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग पढ़ लिख के कंपटीशन करके तैयार होकर आए हैं वो किसी के बहकावे में नहीं आते, वो अगर यहाँ बैठे हैं बहकावे में नहीं, अपने अधिकार को लेने के लिए बैठे हैं, आप उनके अधिकार दे तो चले जाएंगे। दूसरा, पहले एक भर्ती में ऐसा ही घोटाला हुआ था, तो वो जब भर्ती वाले लोग आए थे मुख्यमंत्री के परिवार के उनके चहेते लोग, तो उनको मिठाई खिला के उनको भेजा था, लेकिन जब दलित पिछड़े वर्ग के लोग गए हैं अपने अधिकार मांगने, तो उनको लाठियां दी। और मुख्यमंत्री दूसरे ट्वीट में आगे कहते हैं कि यहाँ कोई गलत कार्य नहीं कर सकता है, अगर जो यहाँ गलत कार्य करने का प्रयास करेगा उसकी संपत्ति जब्त करा देंगे। तो मुख्यमंत्री अब संवैधानिक पद पर बैठ के धमकियाँ दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री वैसे भी हमें जानते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय काम पर पहले लगाई, मुख्यमंत्री जी हम धमकी से तो नहीं डरते, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे गुमराह नहीं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, इनका अधिकार खा के आप कुर्सी पे नहीं बैठ पाओगे। ये जो जाति पूछ पूछ के आप वहाँ बच्चों को पिटवा रहे हो, ये बच्चे जो हैं उसका हिसाब करेंगे। और मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के अधिकार के लिए, उनके संवैधानिक अधिकार के लिए
अगर संपत्ति जब्त होगी तो मुख्यमंत्री संपत्ति जब्त करा दे, उनके पास अधिकार है। जैसे मुन्ना पासवान ने संपत्ति नष्ट करा दी है, ऐसे हमारी संपत्तियां जब्त भी करा दें, हम झेल जाएंगे। लेकिन संविधान, संवैधानिक अधिकारों और संविधान पे हमला नहीं सहेंगे। और हमने तय किया है कि जैसे ही मानसून सत्र शुरू होगा तो हम विधानसभा का घिराव करेंगे, मुख्यमंत्री को बताएंगे कि उनकी लाठियों में उनकी लाठियों का जोर देखेंगे और उनकी संपत्तियां कैसे जब्त कराते हैं भी देखेंगे। हमारी संपत्तियां तो बहुजन समाज है और वो उन्होंने अभी झूठ बोले कब्जे में कर रखा, अब हम उनको निकालेंगे और देखेंगे कि वो उनमें कितना दम। लेकिन ये धमकी नहीं देनी चाहिए। आज वो मुख्यमंत्री हैं, शायद 6 महीने 8 महीने बाद नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री एक अच्छे पद में बैठे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग उनको शोभा नहीं देता। और प्रधानमंत्री जी ने तो कल उससे भी बड़े आगे निकल गए। प्रधानमंत्री जी, मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ रख देता हूँ कि आपको दुनिया सुनती है। वो कहते हैं कि ऑप्शन कमी से किसी की जान नहीं गई। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री तो झूठ नहीं बोलेंगे, तो लोगों ने अपने गले जो है खुद ही घोटे हैं, लोगों ने खुद ही मरना स्वीकार किया है, क्योंकि वो राम राज्य में मुक्ति चाहते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो झूठ के आधार पर टिके हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो इस देश की छवि को कितना खराब कर रहे हैं। ये सारी हत्याएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो विभिन्न प्रदेशों में उनके जिम्मेदार हैं, जिन जिन प्रदेशों में ऑक्सीजन कमी से या सरकार जो स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं थी उनकी वजह से जान गई। और आज सुबह सुबह पता लगा कि मीडिया के बंधु यहाँ हैं कि दैनिक भास्कर के दफ्तर पर छापे पड़े और भारत समाचार का यहाँ ये भी रखा हुआ है, उनके दफ्तर पर भी छापे पड़े हैं, क्योंकि लंबे समय से वो उन बातों को प्रथम पेज पर जो है रख रहे थे जो सरकार की खामियां। अब ये जब यहाँ पत्रकार ही सेफ नहीं है तो आम आदमी किस तरह से अपनी आवाज़ उठाए? ये छापे बताते हैं कि डरी हुई सरकार जो है स्वतंत्र पत्रकार से ईमानदार पत्रकारों से डर गई। लेकिन जो लोग देश को बचाने और देश का दर्पण जो पत्रकार समाज है, वो ऐसी सरकारों से, फासी सरकार से नहीं डरता। ये भी जो है आज मीडिया के दौर में इस पर भी बड़ी बहस हो रही है कि जिस तरह से छापे लगाए जा रहे हैं, ये सीधा सा प्रमाण है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार मीडिया की आवाज़ को दबाना चाहती है और ऐसे ही उन बच्चों की आवाज़ को दबाना चाहती है। तो मुख्यमंत्री क्या तो आरक्षण लागू करें या फिर विधानसभा घिराव के लिए तैयार रहें और जोर लगाएं। लखनऊ में हमारा पहला आंदोलन होगा लेकिन ऐतिहासिक आंदोलन होगा। मुख्यमंत्री को आरक्षण लागू करना पड़ेगा, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला चोरी की है उसको लौटाना पड़ेगा, बच्चों को अधिकार देने पड़ेंगे। अभी अभी एक पिछड़े वर्ग के मंत्री से सरकार ने कहलवाया कि जातिगत जनगणना नहीं होगी पिछड़ों की। तो क्यों, पिछड़े वर्ग के लोग कुत्ते बिल्ली से भी कमजोर हैं क्या जो उनकी जातिगत जनगणना नहीं? उनकी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और इस पर हमारी पार्टी जो है ना गाँव गाँव जाके पाँव पाँव जाके अभियान चलाएगी कि सरकार के खिलाफ जो है ना ये बात को जनता के बीच ले जाया जाए कि जब आपकी जनगणना ही नहीं होगी तो आपके लिए नीतियाँ कैसे बनेगी, आपके लिए बजट कैसे घोषित होगा। तो पिछड़े वर्ग की SC ST की तरह जातिगत जनगणना होनी जरूरी है। और इस बार हम इसके लिए जो दूसरा चरण होगा आंदोलन का, उसको गांव गांव में ले जाने का काम करेंगे। और नीट पे भी सरकार को कोटा जो है पिछड़े वर्ग का पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अब पिछड़े वर्ग के लोग गुमराह नहीं तैयार हो गए। वही सरकार को, जो सरकार ने पिछड़े वर्ग के बच्चों की हड्डियाँ तोड़ी है, दलित वर्ग के बच्चों की हड्डियाँ तोड़ी है, वो सरकार का घमंड भी तोड़ देंगे। आप देखिए कि 2022 में ये पिछड़े और दलित वर्ग के लोग इस सरकार को जवाब देंगे और उसको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और न्यायप्रिय सरकार बनेगी जो जनता के हितों पे काम करेगी। हम लोग धरातल पे काम करके मजबूत करेंगे। धन्यवाद जी। बहुत दूर है बहन, आप थोड़ा नजदीक आइए जो हमें आवाज आ जाए। चलिए तब तक कोई और साथी पूछ लीजिए जी। जी 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 आज जो है सुबह अचानक जो है छापेमारी की जाती है कार्यालय से लेकर के आवाज पे, भेंद जी के आवाज पे, किस तरह देखते हैं, क्या करेंगे? देखिए पहली बात तो सरकार ये मैनेजमेंट से चीजें चला रही। उत्तर प्रदेश में 1,00,000 से ज़्यादा गांव है। आप गांव में जाकर आंकड़ा पता कीजिए। मैं जिस गांव से आता हूं उसमें 100 से ज़्यादा डेथ हुई है। अगर आप इसको वास्तविक आंकड़ा जो हमने साइकिल यात्रा के माध्यम से इकट्ठा किया है, हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी डेथ हुई है और किस वजह से हुई है। और हमने उत्तर प्रदेश वो भी देखा कि एक बहन जो है अपने, हम उसको बहन कह रहे हैं, वो अपने पति को ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है ना सांस दे रही थी। तो ये भी उत्तर प्रदेश ने देखा किस तरह कितने लोगों की जान गई। तो ये जो मीडिया की आवाज़ को दबाया जा रहा है और जनता की आवाज़ को दबा रहा है, ये आवाज़ जो है ना क्रांति पैदा करेगी।
मीडिया के लोग इससे ना डबराए घबराए, हम उनके साथ खड़े हैं। ये सरकार तो आती जाती रहती है। सर चुनाव अभी बहुत दूर है, जब चुनाव आएगा तो जैसे चुनाव की घोषणा हो जाएगी डेट की, सारी जानकारी मीडिया बंधुओं के सामने रखी जाएगी। अभी तो हम लोग उत्तर प्रदेश में जनता को तैयार करें, जिस जनता को झूठ बोल के कि पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तुम वोट दे दो, उनका वोट ठगा और अब उनके बच्चों को लाठिया से पीटा जा रहा है, उन बच्चियों को भी। ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश काम